अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करने के शहाना तरीके कौन कौन से और किन तरीक़ों से हम मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करके एक अच्छे तरीके से अपने पास सेव कर सकते हैं और मैं आपको मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग के एंड डिफरेंट अदर वेज़ भी बताने वाला हूँ जिनसे आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिफरेंट किस्म की ए टूल्स को यूज़ करके मिसिंग वैल्यूज़ को तकरीबन करेक्टली कि 100 परसेंट तो कभी भी नहीं आप मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट कर सकते लेकिन देर आर वेज टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज ऑन एडवांस लेवल और ये कोर्स ये वाला जो आज का हमारा लेक्चर अब होने वाला है ये आपको मिसिंग वैल्यूज को एडवांस लेवल पे इंप्यूट करने का बताने वाला है मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंप्यूट मिसिंग वैल्यू पे पूरी की पूरी नोटबुक बना ली हुई है हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करने के तरीकों को गौर से देखेंगे ये नोटबुक आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी देन यू कैन यूटिलाइज दिस नोटबुक और फिर आप इसको अच्छे तरीके से अपने पास रख सकते हैं राइट right? ओके okay. यहां पे हमारे पास फाइव इंपॉर्टेंट वेज ऑफ इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज हैं जो मुझे लगते हैं पांच इंपॉर्टेंट तरीके वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा सबसे पहला तरीका है सिंपल इंपीटेशन टेक्निक यानी कि मीन मीडियन मॉड से इंप्यूटेशन करना मीन और मीडियन को हम यूज करते हैं मिसिंग वैल्यूज फॉर रिग्रेशन डेटा और न्यूमेरिकल डेटा और मॉड इंप्यूटेशन हम करते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए के नियरस्ट नेबर का दूसरा तरीका है सिंपल इंपीटेशन के बाद algorithms के एन एन एलगोरिथम के थ्रू हम मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट कर सकते हैं विच वी आर गोइंग टू सी टूडे फिर रिग्रेशन इम्पुटेशन है ये एक रिग्रेशन मॉडल को प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट यूज करता है टू प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन द अदर वेरिएबल्स इन योर डेटा सेट तो हम डिफरेंट रिग्रेशन के मॉडल्स को यूज करेंगे जो बेसिकली इम्पुट करके आपको एक वैल्यू देंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं टू इम्पुट द मिसिंग वैल्यूज ठीक है फिर एक तरीका आता है डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू जिससे आप आप ऐसे एल्गोरिथम यूज करें जो मिसिंग वैल्यूज को ऑटोमेटिकली इंप्यूट करके आगे लेके जाते हैं जिनमें डिसीजन ट्री एंड एंडम फॉरेस्ट है और आज के लेक्चर का जो मेन गोल है वो है फॉरेस्ट के थ्रू मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे इंप्यूट करेंगे ठीक है अब आ, आगे चलते हैं जनाब एडवांस टेक्निक्स जो हमारी है जिसमें मल्टीपल इंप्यूटेशन बाय चेन्ड इक्वेशंस हम डिफरेंट किस्म की चेन्ड इक्वेशंस के थ्रू भी इंप्यूटेशन कर सकते हैं विच वी आर गोइंग टू सी इंशाल्लाह एंड डीप लर्निंग मेथड्स जिनमें न्यूरल नेटवर्क स्पेशली ऑटो एंड अदर टूल्स वी कैन यूज और जिसको हम ए आई बोलते हैं बेसिकली डीप लर्निंग मैथड्स और डिफरेंट किस्म की एप्स भी आप बना सकते हैं टू इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज यानी कि एक डेटा कोई बंदा डाले और बताया कि मेरे ये कॉलम ठीक है और ये वाला कॉलम ठीक नहीं है आप इस वी की मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूट करते हैं देन यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड दट एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स नॉट टू लेकिन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स जो ए आई टूल आप क्रिएट कर सकते हैं टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज जो लोगों के लिए बहुत होने वाला है फिर आप टाइम सीरीज का स्पेसिफिक मेथड भी यूज कर सकते फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज का डाटा जो है वो फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फिल्ल एंड इंटरपोलेशन के लिए यूज यूज होता वी वी आर आर गोइंग गोइंग टू टू व्हेन लर्न टाइम सीरीज डेटा तो हमारे पास पांच तरीके मैंने आपको बताए हैं छठा टाइम सीरीज का विज जो आज हम नहीं देखने वाले ठीक है थीके? अब एक बात याद रखें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप मिसिंग वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं तो मिसिंग वैल्यूज किस किस्म की हैं ठीक है मिसिंग नेक्स्ट का पैटर्न क्या है क्या वो रेंडम है क्या कंप्लीटली रैंडम है या रैंडम है ही नहीं है किसी एक जगह पे एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं ठीक है कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं और इसके अलावा और भी बड़े पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जो इस कोर्स में मैंने आपको बेतहाशा दफा बता दिए हैं कि आप किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ को डील करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम सिर्फ कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज हम कैसे इंप्यूट करने वाले हैं सिंपल इम्पिटेशन टेक्निक में मेन मीडियन इम्पिटेशन है मेन और मीडियन के थ्रू हम इम्पिटेशन जब करते हैं हम किसी एक डेटा का मेन या मीडियन ले लेते ले हैं जिससे हम मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर लेते हैं मेन इम्पिटेशन के लिए सिंपली हम पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जैसा आपने ये देखा यहाँ पे मैं चार लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैट प्लॉट लिब इन लाइन भी कर रहा हूँ अगर मुझे कोई प्लॉट बनाने पड़ते हैं जरूरत तो नहीं पड़ी खैर तो यहाँ पे खैर देखें आप मेन के थ्रू अगर करनी है तो मैं यहाँ पे टाइटानिक का डेटा लोड करूंगा कोई भी डेटा आप कर सकते हैं मैं एग्जाम्पल टाइटेनिक पे क्यों रख रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट है जो आप लर्न कर सकते हैं फिर यहां पे अगर आप गौर करें मैंने इस डेटा को यहाँ पे हेड करके देखा कि ये डेटा किस तरीके से नजर आता है और अगर आप गौर करें हमारे पास डेक के डेटा में एन एन है या मिसिंग वैल्यूज हैं और बाकी भी काफी मिसिंग वैल्यूज हैं तो मैंने सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करके देखा आपको मैंने बेबाह तरीकों से बताया कि किस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करके देख सकते हैं या मिसिंग वैल्यूज को देख सकते हैं डेक में सिक्स एटी एट है एज में वन सेवन सेवन है एम बाग की, की भी टू है तो हमारे पास दो दो एक सौ सत्तर और छह सौ अठासी मिसिंग वैल्यूज हम क्या करते हैं एज में ये वाला कोड यूज करके हम जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू वहां वहां पे एवरेज ऑफ एज को प्रिंट कर देते हैं आप एवरेज के साथ करेंगे तो आपकी एज की वैल्यू की मिसिंग वैल्यूज खत्म हो गई हैं बाकी मिसिंग वैल्यूज रहेंगे अब अगर आपने मीडियन से करना है तो आप सिंपली उसी कोड के अंदर यहां पे मीडियन लगा देंगे, ठीक है तो ये काम हमने बेबाह दफा पहले किया हुआ कोर्स के अंदर जो लोग यहां पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले लेक्चर्स आप सुने तो आपको समझ आ जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, राइट अब यहां पर हमने मीडियन और मीन से तरीका सीख लिया कि किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट कर रहे हैं फिर मॉड के थ्रू कैसे किया जाता है जो भी कैटेगोरिकल हैं हम सेम कोड को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल इम्बाग टाउन और इम्बाग को हम मॉड के थ्रू भी इम्प्यूट करके लिख सकते हैं मॉड क्या होता है कि आपके डेटा में यानी कि इम्बाग टाउन में जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूज किसी चीज़ की आ रही है उसके साथ उसको रिप्लेस कर दो मॉड जीरो से ठीक है यानी कि पहले मॉड से तो ये हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं विच इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड मैथड इस वजह से मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू वाला यहां पे नहीं बताया तो मेरे पास मीन मीडियन मोड के तरीके हमने तीनों देख लिया कि मीन के साथ भी कर सकते हैं मीडियन के साथ भी मॉड के साथ भी साइकिट लर्न के के अंदर सिंपल इंप्यूटर को यूज करके भी आप कर सकते हैं मीन, मीडियन के साथ और पांडास की लाइब्रेरी को भी हमने मीन, मीडियन और मॉड तीनों तरीके देख लिए अब अगले तरीकों पर हम मूव करते हैं अगर आप गौर करें यहां पर और ध्यान से देखें के नियर नेबर एल्गोरिथम जो है वो मिसिंग वैल्यूज के ऊपर काम करने में हमें हेल्प आउट कर सकता है ठीक है यहां पर के नियरेस्ट नेबर जो है हमारे पास मिसिंग वैल्यूज के ऊपर काम करने में हमें हेल्प कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा सेट को दोबारा लोड किया ठीक है लोड करने के बाद मैं डेटा को यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज इन ईच कॉलम जो है वो आपको दिखा रहा हूँ ठीक है सिक्स एटी एट वन सेवन टू एंड टू फिर मैंने क्या किया के एन एन इंप्यूटर को यहाँ पे बुलाया ठीक है और ये के एन एन इम्प्यूटर क्या करता है के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम की बेस पे मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करता है और मैंने इसको एस के लर्न से इम्पोर्ट कर लिया मैंने बोला कि के एन एन इम्प्यूटर साहब आप अपने करीबी चार वैल्यूज की बेस पे मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर दें आप यहां पे चार से ज्यादा भी वैल्यूज लिख सकते हैं चार से कम भी लिख सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू ठीक है फिर मैंने उन्हें बोला कि जनाबे वाला सबसे पहले एज की वैल्यूज को इम्प्यूट कर दें तो इसको लगाने के लिए आप इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज करते हैं जिससे आपकी मिसिंग वैल्यूज जो वो इम्प्यूट हो जाएंगी और यहाँ पे एज के कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज आपकी सारी की सारी इम्प्यूट हो गई हैं मैंने दोबारा से चेक किया कि सच में इम्प्यूट हुई है कि हम गल्ला ही नहीं तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारी वन सेवेंटी सेवन वैल्यूज यहाँ पे इम्प्यूट हो चुकी हैं सिंपली के एन एन इंप्यूटर को यूज करके ये इतना सा कोड आपको किसी भी नोमैरिक वैल्यू को मोर एक्यूरेटली इंप्यूट करके देगा एज कंपेयर टू मेन मीडियन मॉड

आपको इम्प्यूट करके देगा मिसिंग वैल्यूज को ठीक है उसके लिए मैंने क्या किया मैंने सिंपली डेटा को लोड किया मिसिंग वैल्यूज चेक की तो दोबारा से 177 हमारे पास मिसिंग वैल्यूज यहां पे आ गई राइट यहां पे जैसे मेरे पास 177 मिसिंग वैल्यूज आई हैं मैंने क्या किया अब मैंने इटरेटिव इंप्यूटर को यहां पे कॉल की कि भैजान आओ और मेरी हेल्प करो फिर मैंने इटरेटिव इम्प्यूटर जो है उसको लगाया इसने क्या किया जितनी सारी वैल्यूज थी पूरी रो के अंदर पूरी रो के अंदर जितनी वैल्यूज थी उनकी बेस पे पूरे के पूरे डेटा को इंप्यूट कर दिया और डेटा अगर हमारा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है लाइक like दिस तो अगर मैंने एज के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज है है उनको करना है, तो एज के अलावा बाकी सारे कॉलम्स की बेस पे इटरेटिव इंप्यूटर आपको मशीन लर्निंग के थ्रू इसको इंप्यूट करके दे रहा है इटरेटिव इंप्यूटर की जो एक्ोरेसी है वो के नियर नेबर से इन इज मच मोर देन अदर सेलगोरे तो के एन एन से ज्यादा इटरेटिव की है इटरेटिव से कम कैन एन की कैन एन से कम मीन की मीन के मीन की मीडियन की मॉड की मॉड की मॉड की सो मीन मीडियन मॉड की तीनों की एक्यूरेसी कम है इनकी ज्यादा है सो so, हमारा मकसद होता है कि जो मिसिंग वैल्यू है इसका मतलब है वो वैल्यू ऐसी हैं जो किसी ने इंप्यूट नहीं की या वो वैल्यू ऐसी जो किसी ने रिकॉर्ड नहीं की अब वो हंड्रेड परसेंट हम दोबारा से जाके रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते लेकिन हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो भी हम यूज़ कर रहे हैं और इनकी बेस में हम मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर लेते हैं वेरी सिंपल अब मैं चलता हूं अगले मैथड की तरफ इटरेटिव किया टेन कर्सर लेके आएंगे न, तो आपको ये बताएगा कि होता क्या है कि टेन इटरेशन यानी कि यह दस दफा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इंप्यूट करने पे लगाएगा रो की बेस पे कॉलम को प्रिडिक्ट करेगा और हर दस दफा का जो रिजल्ट आएगा उसका एवरेज लेके आपके पास वैल्यूज दे देगा हमेशा से इस क्लास को जरूर देखें क्लास इटरेटिव इंप्यूटर है बेस इंप्यूटर क्या है और इंटीजर कौन कौन सी वैल्यूज हैं फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्ट्रेटेजी मीन है ऑन डिफॉल्ट इटरेटिव ऑर्डर कौन सा है? रखना है एक्सेंडिंग रखना है डिसेंडिंग रखना है रोमन रखना है अरेबिक रखना है रैंडम रखना है कौन सी चीजें रखनी है तो जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बाय द वे इटरेटिव इंप्यूटर भी वैसे लगता है जैसे के एन एन लगता है आपने इंप्यूट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और कॉलम को नाम देना है और यहाँ पे कॉलम को अपडेट कर देना आपकी मिसिंग वैल्यूज सारी की सारी यहाँ पे इंप्यूट हो जाएंगी मैंने भी ऐसे किया ये नोटबुक सारी की सारी मैं आपको दे दूंगा जो मेन काम है वो है रेंडम फॉरेस्ट फॉर इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज अपनी मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने के लिए आप रेंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को भी यूज कर सकते हैं यानी कि आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर रिग्रेशन जो आप यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज लेकिन क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट मल्टीपल इिट्रेशन के थ्रू चलता है और ये बैगिंग के एल्गोरिथम की बेस पे चलता है इस वजह से रैंडम फॉरेस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज इसके अलावा एक्सिबूस भी आप कर सकते हैं देर आर मेनी अदर एल्गोरिथम जो आप यूज कर सकते हैं टू यूटिलाइज द पावर ऑफ इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज राइट अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंडम फ्रेस को मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने में हम कैसे यूज कर सकते हैं